कनाडा। रात को रावी, वीरा, अहाना, शिव और सुल्तान प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट के बाहर आ गए। बाहर पहले से ही कई सारी कार खड़ी थी और उनके बाहर कई सारे सूट पहने लोग भी थे। जैसे ही उन्होंने उन लोगों को एयरपोर्ट से बाहर आते देखा, सब अपने हाथ में बुके लेकर आगे आने लगे। अहाना ये सब काफी इंजॉय कर रही थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर किसी बुके को एक्सेप्ट करती, एक आवाज उन सबके कानों में आई। वीरा ने कहा, क्या आप लोगों को इस समय बाकी कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सभी कंपनी वापस जाओ। इतना कहकर वो तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ गई। बाहर खड़े कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उदास हो गए। ड्रेस फॉर्मी के एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव उन दोनों को जानते थे, पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल था कि वो कंपनी की किसी भी बात को बाहर नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर उन्हें काफी बड़ा अमाउंट देने के साथ कंपनी से रिजाइन भी करना पड़ता था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, राजन शाही या आरवी की कंपनी से निकाले जाने पर उस इंसान को साथ में एक लेटर दिया जाता था जिससे उन्हें कोई भी कंपनी जॉब नहीं देती थी। ये रूल रावी और वीरा ने 2 साल पहले ही बनाए थे, जब उनकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने वहां की इन्फॉर्मेशन बाहर भेजने की कोशिश की थी। अहाना मुंह बनाकर उनके पीछे जाने लगी। सब कार में बैठ गए। वीरा ने अपने हाथ में एक फाइल ली और आगे बैठे शिव से कहा, सिचुएशन अभी कैसी है? शिव ने कहा, अभी हमने किसी को नहीं बताया कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है। वीरा ने कहा, गुड, उन लोगों को यही सोचने दो कि स्टोर ओपन नहीं हो पाएगा। ओके, आरएस कॉर्पोरेशन चलो। राजन शाही की कंपनी विदेशों में भी थी, इसीलिए उन दोनों को काफी लोग यहाँ जानते थे। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु धैर्य की तरफ बढ़ रहा था और धैर्य भी उसकी आंखों में ही देख रही थी, जो कुछ अनसुलझे जज्बात बयां कर रहे थे। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वायु को अपना हाथ खींचता सा महसूस हुआ। उसने देखा कि एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने अपना सिर उठाकर उससे कहा, वायु हमें अंदर चलना चाहिए। वायु ने घूर कर उसे देखा, जिससे वो लड़की डर कर 2 कदम पीछे हट गई। वायु जैसे ही धैर्य से कुछ कहने वाला था, वहां तेजस आ गया। तेजस सीधा चलकर धैर्य के पास खड़ा हुआ और उसने कहा, भाभी आप अंदर नहीं गई? तेजस ने अभी तक किसी को नहीं देखा था, उसकी नजर तो सिर्फ धैर्य पर थी। तभी किसी के कुछ कहने की आवाज आई, तेजस आप इस लड़की को भाभी क्यों कह रहे हैं? तेजस ने सिर घुमाया और उसने वहां अपने भाई को खड़ा देखा, जो उसे ही घूर रहा था। तभी फिर से वही आवाज आई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं तेजस? तेजस ने आवाज की दिशा में देखा और कहा, स्वीटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वीटी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ काम से आई हूँ। वायु की नजर अभी भी धैर्य पर थी। उसने अपने इमोशंस छुपाए और सबको क्रॉस करके आगे चला गया। धैर्य जाते हुए उसकी पीठ को देख रही थी। स्वीटी भी तुरंत वायु के पीछे गई और उसके साथ साथ चलने लगी। कंपनी के सारे लोग उनके सीईओ वायु के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। 7 सालों में कभी उन्होंने ना किसी अफवाह में ना ही हकीकत में किसी लड़की के साथ उसे देखा था। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर धैर्य प्रोजेक्टर के पास खड़ी थी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वहां लगे टेबल की सीट पर कई सारे लोग बैठे थे। धैर्य ने लंबी सांस ली और प्रोजेक्टर से अपने डिजाइन को कनेक्ट करके उनके बारे में समझाने लगी। उसका बनाया हुआ हर एक डिजाइन डिटेलिंग और एम्ब्रॉयडरी में काफी ज्यादा सुंदर था। लगभग 1 घंटे बाद सारे डिजाइन्स के प्रेजेंटेशन कर देने के बाद जैसे ही लाइट ऑन हुई, वहां पर तालियों की आवाज आने लगी। धैर्य इसी डर में थी कि शायद उसके डिजाइन सिलेक्ट ना हो। तभी सीट से एक लेडी उठकर खड़ी हुई, जिन्होंने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने काफी अच्छे डिजाइन बनाए हैं। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड सूरज ने कहा, कृपा मैम हम सबको डिस्कस कर लेना चाहिए। कृपा जी ने हाँ में सिर हिलाया और वापस बैठ गई। उन्होंने धैर्य को भी बैठने को कहा। डिस्कशन काफी समय तक चलता रहा कि उन्हें किस तरह के डिजाइन को मार्केट में लाना चाहिए। कृपा जी ने धैर्य की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? धैर्य ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, विंटर सीजन अभी खत्म हुआ है और समर शुरू होने वाला है, तो हमें ऐसे डिजाइन लाने चाहिए जो कंफर्टेबल हो, और हमें कलर्स को ज्यादा डार्क नहीं रखना चाहिए। हमारा आने वाला प्रोजेक्ट द एंजल क्लॉथ स्पेशली बच्चों के लिए है, और बच्चों को बहुत जल्दी कपड़ों से रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए हमें उनके लिए सूटेबल मटेरियल का यूज करना चाहिए। कृपा जी धैर्य की हर बात से सहमत थी। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई। कृपा जी ने अपने साथ में बैठी लड़की को खड़ा किया और सबकी तरफ देखकर कहा, एवरीवन प्लीज मीट मिसेस स्वीटी, जो हमारे ड्रेसेस का इंडोर्समेंट करेगी। तो मिस धैर्य इनके साइज और मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े डिजाइन करें। स्वीटी जो कब से धैर्य को घूर रही थी, उसने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। उसने नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो ऑफिस के बाहर टकराई थी, वो यहाँ पर डिजाइनर के तौर पर काम करती है। आज के मीटिंग के बाद सब अपने अपने कामों पर चले गए। धैर्य इस समय काफी खुश थी। वो खुशी खुशी वापस अपना काम करने लगी। चित्रा और मानुषी ने जब उसे ऐसे खुश देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। मानुषी ने कहा, क्या इसके डिजाइन अप्रूव हो गए? चित्रा ने कहा, मुझे पता चला है कृपा मैम को इसके डिजाइन कुछ ज्यादा ही पसंद है। वीर ने धैर्य के पास आकर कहा, तो तुम्हारे डिजाइन अप्रूव हो गए? धैर्य ने हाँ में सर हिलाया और अपनी फाइल पर काम करने लगी। वीर उसके डेस्क के पास बैठा और उसने कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम सीईओ वायु की वाइफ हो, तो तुम यहाँ काम ही क्यों करती हो? ये सुनते ही धैर्य का हाथ एक पल के लिए रुक गया, पर फिर उसने अपने चेहरे के इमोशंस छुपाते हुए कहा, वीर आपको हमारी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा आप अपना काम करें। वीर उसकी आवाज में गुस्सा महसूस कर सकता था, इसीलिए वो उठकर वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद धैर्या किसी काम से डिपार्टमेंट के बाहर जा रही थी कि उसे थोड़ी दूर कृपा जी दिखी। वो उनके पास से गुजर ही रही थी कि उसने उन्हें बात करते सुना। कृपा जी ने फोन पर कहा, ज्योति तुम चिंता मत करो, हर्ष की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। ज्योति का नाम सुनते ही धैर्या के कदम रुक गए। उसने सोचा, क्या ज्योति राजवंश खानदान के साथ रहती है? धैर्या सुबह से ही इसी बात से परेशान थी कि वो ज्योति का पता कैसे लगाए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कृपा जी वहां से जा चुकी थी। लंच टाइम में धैर्या काफी परेशान थी और उसका एक हाथ अपने दिल के पास था। तभी उसने दूर से सिद्धार्थ को आते देखा। वो उठकर खड़ी हुई और तुरंत उसके पास चली गई। सिद्धार्थ जो वायु के कैबिन में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था, धैर्या को इस तरह अपने पास आते देखकर रुक गया और उसने कहा, धीरे धीरे चलो, तुम्हें इतना ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए। धैर्या रुकी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, हमें आपसे बात करनी है। सिद्धार्थ ने आंखें छोटी की और थोड़ी देर बाद धैर्या और सिद्धार्थ धैर्या के डेस्क के पास बैठे थे। धैर्या ने लंबी सांस ली और कहा, हमें राजवंश हवेली जाना है। ये सुनकर एक पल के लिए सिद्धार्थ हैरान हो गया और फिर खुद उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें राजवंश हवेली क्यों जाना है? और फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, एक मिनट, क्या तुम वहां जाकर सबको अपने वायु के बारे में बताने वाली हो? पर तुम तो इस शादी को मानती ही नहीं हो ना। धैर्या ने घूर कर सिद्धार्थ को देखा और कहा, हम माने या ना माने, वो वायु और हम देख लेंगे, आप बस इतना बताइए, क्या आप हमें वहां ले जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने आस पास देखा और कहा, धैर्या शांत हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, वैसे तुम वायु को उसके नाम से ही पुकारती हो। धैर्या ने लापरवाही से कहा, हाँ, क्या वो उनका नाम नहीं है? सिद्धार्थ ने लंबी सांस ली और सोचा, अगर किसी ने धैर्या को वायु का नाम लेते सुन लिया तो क्या होगा? वो अपने ख्यालों में ही था कि उसे धैर्या की आवाज़ आई, हम कब चलेंगे? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा, पर हम ऑफिस में वजह क्या देंगे? धैर्या ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसकी फिक्र आप ना करें। सिद्धार्थ ने आगे बहस नहीं की और कहा, ठीक है, चलो। धैर्या ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर रुकिए। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोलता, पीछे से करण की आवाज़ आई, मैम चले? सिद्धार्थ ने पीछे खड़े करण को देखा और कहा, तो इसलिए रुकना है? धैर्या ने कुछ नहीं कहा और उठकर करण के साथ चली गई। जब वो दोनों वायु के कैबिन में पहुंचे तो करण ने धैर्या के लिए दरवाजा खोल दिया। धैर्या ने मुस्कुराकर करण को देखा और अंदर चली गई। अंदर वायु किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ धैर्या की तरफ थी, इसीलिए वो उसे नहीं देख पाया। धैर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी वायु के फोन पर बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसने सुना कि वायु ने किसी से फोन पर कहा, मैं घर नहीं आ रहा हूं, वो सारी चीजें आप खुद कर ले। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। धैर्या को कुछ समझ नहीं आया। वायु पीछे मुड़ा और उसने देखा कि धैर्या दरवाजे से लगकर खड़ी थी। वायु ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की ओर कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम दरवाजा खोलकर तुरंत भाग जाओगी? इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। धैर्या ने एक नजर उसे देखा और उसके पास वाले सोफे पर बैठ गई। वायु ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा, तुम्हारे डिजाइन सच में काफी अच्छे थे। वायु का ध्यान वैसे भी उस मीटिंग में धैर्या के फेस पर ही था, उसने डिजाइन पर इतना गौर नहीं किया और जब उसकी माँ ने उन्हें अप्रूव कर दिया तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी। धैर्या ने वह प्लेट ली और खाना खाते हुए कहा, हमें नहीं लगा था कि उन डिजाइन को आगे ले जाया जाएगा, पर हम खुश हैं। वायु ने धैर्या के चेहरे को देखा जो खुशी से चमक रहा था और अपने एक अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो और तुम खुश हो, इतना ही काफी है। धैर्या का दिल अचानक से नरम हो गया। उसने वायु की तरफ देखा और कहा, हम अगर आपसे कुछ मांगेंगे तो आप हमें वो देंगे? वायु मुस्कुराया और उसकी प्लेट में और खाना डालते हुए कहा, तुम मांग कर देखो। धैर्या ने अपने सिर को नीचे किया और कहा, हम वक्त आने पर मांग लेंगे। वायु मुस्कुराया और उसने कहा, जिंदगी का सारा वक्त हमारा ही है। यह सुनते ही धैर्या का दिल जम गया। उसने खुद से कहा, वायु, जिंदगी का सारा वक्त नहीं है हमारे पास, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पास सच में कितना वक्त है, इसीलिए हम आपको और हमारी दोनों बेटियों को खुद से दूर कर देना चाहते हैं ताकि हमें मौत के बाद यह गम ना रहे कि हमने किसी को भी अकेला छोड़ा है। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिर गई। वायु ने जब धैर्या की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, जान तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अभी वो दूंगा। धैर्या ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने वायु का मन बहलाने के लिए आसपास देखकर कहा, वो लड़की कहाँ गई जिसे आप अपने साथ लेकर आए थे? यह कहते हुए वो पूरे कमरे को अपनी आंखों से स्कैन करने लगी। वायु ने प्लेट ली और जूस का ग्लास धैर्या के हाथों में देकर कहा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? धैर्या ने वायु को देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, हम क्यों जलेंगे, आपकी मर्जी, आप जिसे चाहें अपने साथ रखें। धैर्या को नहीं पता था लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। वायु ने धैर्या की नाक खींची और कहा, जान मैं तो चाहता हूँ कि तुम ही हमेशा मेरे पास रहो, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर भागती रहोगी तो मुझे कोई और ढूंढनी ही पड़ेगी ना। धैर्या ने वायु का हाथ झटका और खड़े होते हुए कहा, हमने आपको मना नहीं किया है, आपको जो करना है करिए। यह कहते हुए वह आगे बढ़ने लगी। वायु खड़ा हुआ और उसने धैर्या की कमर से उसे पकड़ा और अपना सिर धैर्या के कंधे पर रख उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही ढूंढ ली है। यह कहते हुए उसने धैर्या को अपनी तरफ पलटा और उसके माथे पर किस किया। धैर्या की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, हमें आज भी कहीं जाना है। वायु ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ा और कहा,
तुम्हें हमेशा कहीं जाना रहता है और तुम मेरे पास आ जाती हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है। यह कहते हुए वो उससे दूर हुआ। धैर्या ने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वायु मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, पे करो और चली जाओ। धैर्या को पिछला दिन याद आ गया कि पेमेंट क्या थी। उसने घूर कर वायु को देखा और कहा, आपको नहीं लगता बेशर्म बनते जा रहे हैं? वायु ने अपनी शर्ट के दो बटन खोले और कहा, अपनी बीवी से कैसी शर्म। अब धैर्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसे याद था कि नीचे सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम करेंगे। यह कहते हुए वो धीमे कदमों से वायु के पास आने लगी। वायु एक टक उसे देख रहा था। धैर्या उसके पास आकर रुकी और अपने पंजों पर खड़े होकर उसके गाल पर किस करने लगी कि तभी वायु ने अपना चेहरा घुमा लिया और धैर्या के होठ उसके गालों की जगह उसके होठों से टकरा गए। धैर्या उस पल में जम गई और कोई मूवमेंट नहीं कर पाई। इससे पहले कि वो वायु से अलग होती, वायु ने उसे कमर से पकड़कर उसे छोटी सी किस को पैशनेट किस में बदलना शुरू कर दिया। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे धैर्या की सांसें ही उसे जिंदगी दे रही हो। धैर्या अपनी हर बढ़ती धड़कन के साथ वायु के करीब होने के एहसास को महसूस कर रही थी। आज वो उसे रोक नहीं पा रही थी। जब से उसे पता चला था कि उसके पास जिंदगी के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उसे ऐसा लगने लगा है कि वायु की अहमियत उसकी जिंदगी में बहुत है। वो नहीं जानती कि प्यार कैसे करना है, पर किसी से प्यार मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो वायु से उसे मिल रहे इस प्यार को अपने अंदर संभाल लेना चाहती थी। वायु ने देखा कि धैर्या ने उसे रिजेक्ट नहीं किया तो वो और भी डीपली उसे किस करने लगा। वह उसके होठों से अलग होकर उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर किस करना स्टार्ट कर चुका था। धैर्या को पता ही नहीं चला कि उसका एक हाथ कब वायु की पीठ पर और दूसरा उसके बालों में चलने लगा था। धैर्या की नेक पर किस करते हुए वायु ने उसे अपनी कैबिन की दीवार से सटा दिया था। उसने धैर्या के दोनों हाथ पकड़कर दीवार में पुश किए और उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। जब उसने कल धैर्या को इतना परेशान होकर कहीं जाते हुए देखा था और उसके जाने के बाद से उसके दिल में जो बेचैनी हुई थी उसने उसे अंदर तक डरा दिया था। वो धैर्या को अपनी सांसों, धड़कनों और आत्मा में बसा लेना चाहता था ताकि वो उससे कभी दूर ना जा पाए। वायु अब धैर्या को किस करने की जगह बाइट करने लगा था, जिससे धैर्या की हल्की सी आह निकल रही थी जो वायु को और एक्साइट कर रही थी। वायु ने अपना सर उठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और वो उसे वापस किस करने ही वाला था कि तभी फोन की रिंगटोन ने दोनों का ध्यान तोड़ दिया। धैर्या अपने सेंसेस में वापस आई और वायु को धक्का देकर दूर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गड्ढे में जाकर कूद जाए। उसने खुद से कहा, धैर्या तुम ये क्या कर रही थी? वायु तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमने क्या कर दिया? हम अपनी जज्बातों को काबू क्यों नहीं कर पाए? क्यों हम वायु की तरफ खींचे चले गए? वायु अपने इतने अच्छे मूवमेंट को खराब होता देख बहुत चिढ़ गया था। उसने अपना फोन उठाया और रिसीव करके थोड़ा गुस्से में कहा, क्या काम है? दूसरी तरफ से कृपा जी की आवाज आई, वायु आपको पता है ना आज कितना जरूरी दिन है, आप हवेली आ जाइए। वायु ने लंबी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपना सिर उठाकर धैर्या की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा पूरी तरह लाल था। उसे बहुत निराशा हो रही थी, पर वो खुश भी था कि धैर्या ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है। धैर्या से एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, हमें जाना है, क्या हम जाएं? वायु का मन धैर्या को वहां से जाने देने का बिल्कुल नहीं था, पर उसने मन मार कर कहा, ठीक है जाओ। धैर्या दरवाजा खोलकर ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूत पड़ा हो। वायु ने उसकी इस हरकत को देखा और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। धैर्या जब बिल्डिंग के नीचे आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा था और अपनी घड़ी की तरफ भी देख रहा था। वह वहां आई और उसने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमें ज्यादा समय लग गया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच में काफी समय लग गया। यह कहते हुए उसकी नजर धैर्या की गर्दन पर गई और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया। धैर्या ने नासमझी में उसे देखा तो सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया। धैर्या ने अपना सिर झुकाया और अपनी गर्दन और सीने की तरफ देखने लगी, जहां पर वायु के लव बाइट्स साफ नजर आ रहे थे। उसकी फेयर स्किन अब हल्के लाल और गुलाबी रंग की दिख रही थी। यह देखते ही धैर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो सीधे कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ के होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने देखा धैर्या के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने कार स्टार्ट की और कहा, इस बॉक्स में क्या है? धैर्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिद्धार्थ ने देहरादून की सड़कों पर अपनी कार चलाते हुए कहा, वैसे पहली बार ससुराल जा रही हो, कैसी फीलिंग हो रही है? सिद्धार्थ के शब्द पर ध्यान देते ही धैर्या के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी हवेली में वो कार एंटर हुई। वो हवेली काफी ज्यादा पुरानी और शाही दिख रही थी। बाहर का एंटीक मॉडल काफी पुराना दिख रहा था। कार एक बड़े से गार्डन से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और कई तरह के फूल लगे थे। धैर्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। वो अपनी चमकती हुई आंखों से कार के विंडो से बाहर देख रही थी। वहां कई सारे गार्ड खड़े थे और उन सब के पास बंदूकें थी। धैर्या ने अपना सर अंदर किया और कहा, बाहर लोगों के पास हथियार है? सिद्धार्थ ने धैर्या को देखा और कहा,
वो सब हमारी सेफ्टी के लिए है, तुम चिंता मत करो। सिद्धार्थ ने अपनी कार पार्किंग में लगाई। वो हवेली बाहर से जितनी पुरानी दिख रही थी, अंदर से उससे भी ज्यादा शानदार थी। बड़े से झूमर के नीचे कई सारे सोफे लगे थे और एंटीक आइटम्स को काफी अच्छे से सजाया गया था। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहां की दीवारों पर सजी हुई थी। वो हवेली चार अलग अलग फ्लोर में बटी थी, जहां तक लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों से जाया जा सकता था। बहरिया अपना सिर चारों तरफ घुमाकर उस जगह को देख रही थी। लिविंग रूम में बैठे सभी की नजर सिद्धार्थ पर गई और उसके साथ आ रही लड़की पर भी। निर्मला देवी घर के मंदिर में बैठी थी और उनके सामने एक पंडित जी बैठे थे जो काफी बुजुर्ग दिख रहे थे। निर्मला देवी ने उनसे कहा, शायद इस बार हम आपको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पंडित जी को निर्मला देवी की यहाँ हर साल 56 भोग का थाल खिलाया जाता था और वो उनके काफी पुराने पंडित थे। भैरिया ने जैसे ही घर की चौखट के अंदर कदम रखा, पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बंद आंखों से ही कहा, आपकी समस्या का हल आ गया है। हॉल में कृपा जी, स्वीटी, स्वीटी की दादी, गौरव जी, रमन, ज्योति, हर्ष और काफी सारे लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर धैर्या को देखकर अलग अलग भाव आ रहे थे और इन सबसे अलग भाव ज्योति के चेहरे पर थे। ज्योति का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने मन में कहा, क्या इसे पता चल गया है? क्या ये अपनी दोनों बेटियों को यहाँ लेकर आई है? यह सोचते हुए वो धैर्या के पीछे देख रही थी। गौरव जी ने ज्योति के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए और धीरे से उससे कहा, तुम इस लड़की को ऐसे क्यों देख रही हो? ज्योति ने गौरव जी की तरफ सिर घुमाया और कहा, ये वही है। ये सुनते ही गौरव जी की आंखों में चमक आ गई और वो ध्यान से धैर्या को देखने लगे। धैर्या ने लाल कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों का काजल और माथे की काली बिंदी उसके चेहरे को और खूबसूरत दिखा रही थी। उन्होंने धैर्या को ध्यान से देखते हुए कहा, वैसे वायु राजवंश के बच्चों को जन्म देने वाली लड़की काफी खूबसूरत है। ये बात रमन ने भी सुन ली, जो धैर्या में पूरी तरह खो चुका था। उसने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या ये वही लड़की है? गौरव जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने दोनों हाथ मोड़ते हुए कहा, पर ये यहाँ क्यों आई है? ज्योति ने परेशान होकर कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कहीं इसे सच तो नहीं पता चल गया? गौरव जी ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर पता चल गया होगा तो और मजा आएगा। ज्योति ने मुड़कर उस पागल इंसान को देखा और अपना सिर हिला दिया। कृपा जी खड़ी हुई और सिद्धार्थ के पास जाकर उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम धैर्या को अपने साथ क्यों लाए हो? धैर्या आगे आई और उसने कृपा जी को मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मैम, हमें आपको एक तोहफा देना था। कृपा जी ने कन्फ्यूज होकर उसे देखा। धैर्या ने आगे कहा, हमें पता चला था कि आप ही ने हमारे डिजाइन्स को सबसे ज्यादा पसंद किया था और आप ही के कारण हमें इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है। यह कहते हुए उसने उस बड़े से बॉक्स को कृपा जी के आगे कर दिया। कृपा जी ने उस बॉक्स को लिया और उसे खोल कर देखा। उस बॉक्स में रॉयल पिंक कलर की एक बहुत खूबसूरत साड़ी थी जिस पर हाथ से काम किया गया था। उस पर लगा एक एक तार और धागा काफी खूबसूरती से सुंदर से पैटर्न में डिजाइन किया गया था। साड़ी को देखते ही कृपा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धैर्या की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता हमें तुमसे साड़ी बनवानी थी? धैर्या ने मुस्कुराकर कहा, ये हमने अपनी इच्छा से किया है। कृपा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा बैठो। ये कहते हुए वो उसे सोफे पर लेकर बैठ गई। सभी लोग कृपा जी और धैर्या को ही देख रहे थे। कृपा जी उसे वहां बैठे हर इंसान से मिलवाया, फिर स्वीटी की तरफ देखकर कहा, इसे तुम जानती हो? धैर्या ने मुस्कुराकर स्वीटी को देखा और कहा, हाँ, हम आज ही ऑफिस में मिले थे। स्वीटी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, बहुत अच्छी मुलाकात थी। कृपा जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, ये ज्योति है और ये उसका बेटा हर्ष। धैर्या की आंखें तुरंत उस तरफ चली गई। ज्योति भी धैर्या को ही देख रही थी पर उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। धैर्या ज्योति से मिलने ही वहां आई थी और उसको देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे पहले कि कृपा जी आगे कुछ कहती, ज्योति ने हर्ष को सामने किया और कहा, हाँ, ये हर्ष है, वायु का बेटा। तुम जानती हो ना, तुम्हारी कंपनी के बॉस वायु राजवंश, ये उनका बेटा है। ये सुनते ही एक पल के लिए धैर्या का दिल थम सा गया और वो ध्यान से उस बच्चे की तरफ देखने लगी। कृपा जी को ज्योति का इस तरह धैर्या से बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने ज्योति की तरफ देखा और कहा, ज्योति, आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। ज्योति चुप हो गई। सिद्धार्थ ने जब ज्योति को धैर्या से ये कहते सुना तो वो अंदर तक डर गया। उसने ध्यान से धैर्या का चेहरा देखा और उसके एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश करने लगा था कि क्या धैर्या इस बात से गुस्सा हुई है। सिद्धार्थ ये देखकर हैरान था कि धैर्या बिल्कुल शांत बैठी थी। स्वीटी की दादी बड़े ध्यान से धैर्या का चेहरा देख रही थी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो, और उनकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। कृपा जी ने गौरव जी और रमन को धैर्या से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। रमन उठकर खड़ा हुआ और धैर्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, हाय, ये लोग तो मुझे तुमसे मिलाएंगे नहीं, तो मैं खुद ही मिल लेता हूँ। मैं रमन राजवंश हूँ। धैर्या ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रमन ने अपने हाथों को पीछे लिया और मुस्कुराते हुए धैर्या को देखने लगा। उसने मन में कहा, सच में वायु, तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। जिस लड़की ने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया वह तो परियों से भी सुंदर है। अब मुझे तुमसे छीनने के लिए एक और चीज मिल गई। इस वक्त उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। गौरव जी ने रमन का हाथ पकड़कर खींचा और उसे वापस बैठा दिया। वो अपने बेटे को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्हें उसके इरादे पता चल गए थे। निर्मला देवी वहां आई।
कृपा जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा, माँ क्या आपको कोई उपाय मिला? निर्मला देवी ने परेशान होकर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, इस बार पंडित जी को शायद ऐसे ही जाना होगा। कृपा जी ने कहा, पर यह शुभ नहीं होगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, कृपा बेटा शुभ की शुरुआत तो अब होगी। यह कहते हुए उनकी नज़र सामने खड़ी धैर्या पर गई। वह आगे चलकर आए और उन्होंने धैर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, यह बच्ची तुम्हारी किस्मत बनकर आई है। धैर्या ने नीचे झुककर उनके पैर छुए और कहा, हम समझे नहीं। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने निर्मला देवी की तरफ देखकर कहा, हमारा भोजन ये बच्ची बनाएगी। सब अपना मुंह खोलकर पंडित जी की बात को सुन रहे थे। वह पंडित जी कई सालों से राजवंश परिवार में इसी दिन आया करते थे और उनके लिए भोजन वहाँ के महाराज बनाते थे। पर आज वहाँ के महाराज काफी बीमार थे और महाराज के हाथों के खाने के अलावा पंडित जी ने कभी किसी के हाथों के खाने को पसंद नहीं किया। यह सुनकर ज्योति और स्वीटी गुस्से से उबल रही थी। ज्योति ने खड़े होकर कहा, मैं भी कर सकती हूँ। गौरव जी ने उसे ऐसा देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहे हो। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने ज्योति से कहा, दूसरों की चीजों को छीनना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छीना हुआ हमेशा पास नहीं रहता। ज्योति को उनके शब्दों में एक अलग ही मतलब सुनाई दे रहा था और वह चुप हो गई। स्वीटी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। निर्मला देवी ने परेशान होकर कहा, बेटा तुम हमारी मदद करोगी? धैर्या ने कहा, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे। कृपा जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे यहाँ महाभोज है और उसका खाना हमारे महाराज बनाते हैं, पर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकती हो? धैर्या ने बिना संकोच के हाँ में सिर हिला दिया। कृपा जी ने उसे कुछ नौकरानियों के साथ रसोई घर में भेज दिया। सिद्धार्थ ने खुद से कहा, क्या बात है धैर्या, तुमने तो आते ही ससुराल में पैर जमा लिए, तुम्हारे इन-लॉज जल्दी ही खुश हो जाएंगे। यह सोचते हुए उसने अपने फोन की तरफ देखा और बाहर चला गया। राजवंश कॉरपोरेशन। वायु एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नाम देखा और फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, वायु गैस करो, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? वायु ने कोल्ड आवाज में कहा, तुम बता सकते हो वरना मैं फोन रख रहा हूँ। सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर फोन की तरफ देखा और खुद से कहा, इसे तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए। फिर खुद को शांत करके उसने कहा, तुम्हारी एंजल मिसेज राजवंश राजवंश हवेली में आई है। यह सुनते ही वायु उठकर खड़ा हुआ और मीटिंग रूम से बाहर जाते हुए उसने फोन पर कहा, उस पर नजर रखो। उसे सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वह धैर्या को राजवंश हवेली कैसे ले जा सकता है, जबकि उसे पता है कि वहां पर गौरव जी और रमन है। गौरव जी को छोड़ भी दिया जाए तो भी वह रमन को अच्छे से जानता था। अगर वो किसी नई लड़की को देख लेता था तो वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अपनी धैर्या को रमन की नजरों के सामने नहीं रहने दे सकता था। वायु के उस मीटिंग रूम से निकल जाने के बाद करण ने सबकी तरफ देखा और कहा, सर को कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए हम इस मीटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे। वहाँ सब तो पहले से हैरान थे क्योंकि वायु कभी किसी मीटिंग को बीच में नहीं छोड़ता था, लेकिन करण की बात सुनकर वह सब शांत हो गए। वायु ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। राजवंश हवेली। धैर्या बड़े से किचन में खड़ी थी और सारे सामान को देख रही थी। उसने पीछे मुड़कर नौकरों से कहा, यहाँ पर कोई खुली जगह है? सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। धैर्या ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उनके साथ उस जगह पर चली गई। लिविंग रूम में सब इंतजार कर रहे थे कि वह छोटी सी लड़की आखिर करने क्या वाली है। 3 घंटे बाद लिविंग रूम में बड़े बड़े सोफों को हटाकर वहां मैट को बिछा दिया गया था, जहां पर कई सारे पंडित बैठे थे। पंडित जी के 100 शिष्य उनके साथ आए थे, जिन्हें महाभोज के बाद आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। निर्मला देवी ने परेशान होकर कृपा जी की तरफ देखा और कहा, हमें ऐसा लगता है कि वह शायद किसी परेशानी में होगी। कृपा जी ने कहा, मैं देख कर आती हूँ। यह कहते हुए वह किचन की तरफ चली गई। उन्होंने देखा कि किचन पूरा खाली था। यह देखकर वह हैरान हो गई और तब एक नौकर से उन्हें पता चला कि धैर्या बैकयार्ड में है। ज्योति और स्वीटी उनके पीछे ही चल रही थी। स्वीटी ने कृपा जी से कहा, आंटी देखा अपनी लड़की काम चोरों की तरह कहीं चली गई, बाहर इतने सारे लोगों को हम क्या खिलाएंगे? ज्योति ने उसका साथ देते हुए कहा, ये सही कह रही है, हमें उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। कृपा जी जो पहले से ही परेशान थी, उन दोनों की बातों को सुनकर थोड़ा गुस्से में आ गई और तेज कदमों से बैकयार्ड में गई। उन्होंने देखा उस जगह पर बड़े बड़े चूल्हों पर बर्तन रखे थे और धैर्या अपने दुपट्टे को अपनी कमर से बांधकर एक बड़े से चम्मच से खाने को चला रही थी। पूरा बैकयार्ड खाने की खुशबू से महक रहा था। उस छोटे से किचन को देखकर धैर्या समझ नहीं पा रही थी कि वह वहां पर इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएगी, इसीलिए उसने नौकरों से कहकर पीछे चूल्हे बनवा दिए थे। कृपा जी आगे आई और उन्होंने कहा, बेटा तुमने ये क्या किया? धैर्या पीछे मुड़ी, उसका चेहरा गर्मी के कारण लाल हो गया था और थकान और पसीना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह मुस्कुराई और उसने कहा, हमें लगा यहाँ ज्यादा आसान होगा, बस सब बन ही गया है, आप सभी को बिठाइए, खाना अभी लग जाएगा। कृपा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनके महाराज भी इतना सारा खाना 5 घंटे से पहले नहीं बना पाते थे। उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अंदर की तरफ चली गई। स्वीटी और ज्योति गुस्से में धैर्या को घूर रही थी। उन्होंने उसकी इंसल्ट करने की और उसकी काम बिगाड़ने की काफी कोशिश की, पर उसके पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्हें सिद्धार्थ ने वहां छोड़ा था। वह जानता था कि कुछ लोगों को धैर्या से जरूर परेशानी होगी। निर्मला देवी ने पंडित जी से कहा, आप बैठ सकते हैं। वायु ने तेजी से निर्मला देवी की तरफ देखा। वह कुछ कहता इससे पहले ही निर्मला देवी ने उसे पूजा में बैठा दिया था, जिसके लिए वह उसे सुबह से घर बुला रही थी।
पूजा अभी अभी खत्म हुई थी। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बच्ची ने काफी जल्दी काम खत्म कर लिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी और उनके सारे शिष्य लाइन से बैठे थे। वायु भी वहीं पास में बैठा था। सबकी नजरें दूर से आ रहे कुछ लोगों पर गई। सबसे आगे धैर्य चल रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था। उसका रूप इस समय काफी तेजस्वी दिख रहा था। कोई भी उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। धैर्य ने आकर थाल पंडित जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर कहा, उम्मीद है आप मुझसे निराश नहीं होंगे। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं वायु गुस्से में धैर्य को घूर रहा था। वह देख सकता था कि उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। धैर्य वापस पीछे बैकयार्ड में चली गई। खाना हो जाने के बाद पंडित जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ज्योति और स्वीटी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वे दोनों अपने कमरे में जा चुकी थी। सबको आशीर्वाद देने के बाद पंडित जी ने धैर्य की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ बुलाया। जैसे ही धैर्य उनका आशीर्वाद लेने गई, उसी समय वायु भी झुका। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों के सर पर हाथ रख दिया। उन्होंने धैर्य की तरफ देखकर कहा, सौभाग्यवती भव। धैर्य का शरीर जम गया और वह हैरान होकर खड़ी हो गई। उसने आसपास देखा, सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे और किसी ने पंडित जी की यह बात नहीं सुनी थी। पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों को देखकर कहा, हमारी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम दोनों की जिंदगी आसान नहीं होगी, पर तुम्हारा प्यार तुम्हें शक्ति देगा। उन्होंने धैर्य की तरफ देखा और कहा, काफी कुछ अब तुम्हें करना है, इसके लिए तैयार रहना। धैर्य ने नासमझी में उनकी तरफ देखा। तभी वायु का फोन बजा और वह बात करने के लिए दूर चला गया। पंडित जी मुड़कर जाने ही वाले थे कि धैर्य ने उन्हें आवाज दी। वह पीछे मुड़े और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। धैर्य ने अपना सर नीचे किया और कहा, हमें क्या करना होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना बचा है। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उस इंसान को देख रही हो? यह कहते हुए उनकी नज़र वायु की तरफ थी। धैर्य ने भी उस तरफ देखा। पंडित जी ने आगे कहा, वह तुमसे प्रेम करता है और प्रेम में बहुत ताकत होती है। जीवन हमारे हाथ में नहीं होता, पर हमारे जीवन के पलों को किस तरह से जीते हैं वह हमारे हाथ में है। बेटा, तुमने काफ़ी कुछ झेला है और अब खुशियों की बारी है, उन्हें खुद से दूर मत करो। यह कहते हुए वह आगे चले गए। धैर्य खाली आंखों से उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने सारे शिष्यों के साथ वहां से चले गए और नौकर वहां की सफाई करने लगे। तभी एक नौकरानी एक बर्तन लेकर जा रही थी और उसने गलती से वह धैर्य पर गिरा दिया। उसमें काफी गर्म पानी था। वायु थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। गर्म पानी गिरने से धैर्य को काफी जलन हो रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। नौकरानी ने अपना सर झुकाया और माफी मांगने लगी। वायु गुस्से में आगे बढ़ ही रहा था कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तेरा उसके पास जाना उसके लिए नई मुसीबत लाएगा। यह कहते हैं उसकी नजर रमन पर थी, जो घूर कर धैर्य को देख रहा था। वायु ने जब रमन को धैर्य को इस तरह घूरता देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कृपा जी धैर्य के पास आई और उसने कहा, ये तो गर्म पानी था, तुम्हें जलन हो रही होगी। एक काम करो, ऊपर वाले गेस्ट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा देती हूँ। धैर्य को सच में काफी जलन हो रही थी। उसने तुरंत हाँ में सर हिलाया और उस लंबे से कॉरिडोर से आगे चली गई। उसके साथ एक नौकरानी उसे वह कमरा दिखाने के लिए चल रही थी, जिस नौकरानी ने धैर्य के कपड़ों पर वह गर्म पानी गिराया था। वह इस वक्त ज्योति के साथ खड़ी थी। ज्योति ने उसे घूर कर देखा और कहा, वह पानी तुम्हें उसके चेहरे पर फेंकना था। नौकरानी ने सिर नीचे करते हुए कहा, वहां काफी सारे लोग थे। ज्योति ने गुस्से में खुद से कहा, तुम मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि उसके लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगी। यह कहते हुए वो वापस अपने कमरे में चली गई। इधर धैर्य उस कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ जा रही थी। तभी उस नौकरानी को किसी ने बुला लिया। धैर्य उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, आप चली जाइए, हम उस जगह खुद चले जाएंगे। नौकरानी ने उसे वो कमरा बता दिया जो सेकंड फ्लोर पर था और वो वहां से चली गई। धैर्य अपने कपड़ों को साफ करते हुए आगे चल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने अपनी नजरें उठाई और अपने सामने रमन को देखा, जो बेशर्मी से उसे घूर रहा था। पहले से कपड़े गीले होने के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका फिगर साफ शो हो रहा था। धैर्य को उसकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उसके साइड से जाने लगी। रमन ने अपना एक हाथ उठाया और उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। धैर्य ने उसे देखा और कहा, आप क्या करना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। रमन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ की कमी है। यह कहते हुए वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। धैर्य ने अपने कदमों को पीछे लिया और उसे वार्निंग लुक देकर कहा, हमसे दूर रहिए, यहाँ अभी काफी लोग हैं, हमारी आवाज़ से सब यहाँ आ जाएंगे। रमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम आवाज़ देकर क्यों नहीं देखती? धैर्य ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो मेन हॉल से काफी दूर थी, अगर आवाज़ देने की कोशिश भी करती तो वो बाहर नहीं जाती। अब उसे डर लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, आप हमें जाने दीजिए। रमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं कैसे जाने दूँ? यह कहते हुए उसके हाथ को सहला रहा था। धैर्य को उसकी छुअन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश कर रही थी, पर रमन ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था। तभी रमन को किसी ने पीछे खींच लिया और धैर्य ने देखा, वहां गौरव जी खड़े थे, जो गुस्से में रमन को देख रहे थे। उन्होंने रमन को अपनी तरफ घुमाया और कहा, कितनी बार कहा है लड़कियों से दूर रहा करो, तुम इस बच्ची के साथ क्या करना चाहते थे? रमन ने अपने पापा की तरफ देखा। तभी गौरव जी ने कहा, अभी के अभी यहां से चले जाओ। रमन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। धैर्य ने कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। गौरव जी मुस्कुराए और उन्होंने धैर्य से कहा, वो मेरा बेटा है पर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसकी गलती को माफ कर दो। धैर्य को रमन के बारे में उसके पिता से कुछ कहना ठीक नहीं लगा।
उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और आगे चली गई। थोड़ी दूर खड़ी निर्मला देवी ये सब कुछ देख रही थी और गौरव को धैर्य की मदद करते देख उन्हें अच्छा लगा और वो भी पीछे मुड़कर वापस चली गई। गौरव जी ने उस जगह देखा जहाँ निर्मला देवी खड़ी थी और खुद से कहा, अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, वरना यह लड़का आज हम दोनों को यहाँ से निकलवा ही देता। धैर्य के दिमाग में अभी भी रमन वाला इंसिडेंट चल रहा था और वो अपने हाथ को बार बार साफ कर रही थी। उसने सेकंड फ्लोर की जगह गलती से थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट खुलने के बाद वो उस कमरे को ढूंढने लगी जो उसे नौकरानी ने बताया था। वो लंबा कॉरिडोर अलग अलग तरह के खूबसूरत सामानों से भरा था। धैर्य अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाते हुए वहाँ चल रही थी, तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बड़े से हाथ ने धैर्य को अंदर खींच लिया। राजवंश हवेली। जैसे ही धैर्या को उस कमरे में खींचा गया उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश की, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, जान शांत हो जाओ। उस आवाज को सुनते ही धैर्या पूरी तरह शांत हो गई और उस अंधेरे कमरे में उन नीली आंखों को देखने लगी। वायु ने धैर्या के कांपते हुए शरीर को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम डर क्यों गई, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? धैर्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप वायु की बाहों में खड़ी रही। जब वायु को महसूस हुआ कि धैर्या नहीं कांप रही है तो वह उससे अलग हुआ और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। धैर्या ने अपना सिर उठाया और उस कमरे को देखने लगी। वह कमरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था। वहां पर एक किंग साइज बेड था जिस पर ग्रे कलर की चादर बिछी थी। ऊपर सीलिंग पर मॉडल स्टाइल लाइटिंग लगाई गई थी जो पूरे कमरे को रोशनी से भर रही थी। बेड के पीछे की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जो वायु की थी। वह कमरा काफी ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर स्टडी रूम, बार, एक अटैच एक्स्ट्रा रूम और भी बहुत कुछ था। धैर्या आंखें बड़ी बड़ी करके उस जगह को देख रही थी। वायु ने जब उसे अपने कमरे को इस तरह देखते नोटिस किया तो उसने उसे पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, तो मेरी वाइफ पहली बार मेरे घर आई है, पहली बार मेरे कमरे में आई है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? धैर्या ने आसपास देखते हुए कहा, नहीं ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की तरह है, यहाँ कोई भी कलर नहीं है, हमें ऐसी चीजें नहीं पसंद, बेडशीट भी कितनी डार्क कलर की है, हमें यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। धैर्या अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और उसे होश ही नहीं था कि वह कब से वायु के कमरे की बुराई कर रही थी। वायु ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर किस किया और कहा, जान तुम खुद इसे डेकोरेट कर सकती हो, यहाँ पर मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीजें ला सकता हूँ। धैर्या ने वायु से दूर होकर कहा, आप हमारी पसंद से कुछ क्यों करेंगे, ये आपका कमरा है। वायु ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें इसे हमारा कमरा कहना चाहिए। धैर्या ने मुंह बनाया और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। यह कहते हुए उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो अभी भी बहुत गीले थे। उसने कहा, कृपा मैम ने तो कहा था कि वह हमें कुछ कपड़े देंगी, पर अब हम क्या करें, हमारे कपड़े तो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। वो अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके सामने आसमानी रंग की एक साड़ी आ गई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह वायु के हाथ में थी। वायु धैर्या के वहां से निकलने के बाद अपने कमरे की तरफ चला गया। रास्ते में उसे एक नौकरानी मिली थी जो धैर्या के कपड़े लेकर गेस्ट रूम में जा रही थी। उसने वह कपड़े उनसे ले लिए थे। धैर्या ने अपनी नजरें उन कपड़ों पर टिकाई और कहा, क्या ये हमारे लिए है? वो अब काफी सारे कपड़ों को पहचानने लगी थी और ये साड़ी देखकर वह समझ गई थी कि ये बहुत ज्यादा महंगी थी। उसने अपने सर को ना में हिलाया और कहा, हम ये नहीं ले सकते, ये काफी महंगी है। वायु ने वह साड़ी उसके हाथ में रखी और कहा, जाकर पहन लो, मैं और कोई बात नहीं सुन रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। धैर्या उस मामूली साड़ी को महंगी कह रही थी। वह उसे दुनिया की हर एक चीज देना चाहता था और एक ये लड़की थी जो उससे भागती रहती थी। धैर्या ने वायु का गुस्से से भरा चेहरा देखा और चुपचाप साड़ी लेकर आगे जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे पता ही नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है। वह मुड़ी और वायु से कुछ कहने ही वाली थी कि वायु ने कहा, सीधे जाकर राइट जाओ। धैर्या ने कुछ नहीं कहा और उस जगह चली गई। धैर्या के वॉशरूम में जाने के बाद वायु के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला, बाहर सिद्धार्थ खड़ा था। वायु ने उसे देखा और कहा, क्या तुम वह लाए हो? सिद्धार्थ ने क्रीम वायु के हाथ में रख दी और कहा, इसे लगा देना, उसकी जलन कम हो जाएगी। वायु ने कुछ नहीं कहा और वह गेट बंद करने ही वाला था कि वह रुक गया। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। वायु ने उसे घूरा और कहा, मैंने तुम्हें अभी भी इस बात के लिए माफ नहीं किया है कि तुम मुझसे बिना पूछे उसे यहाँ लेकर आए। सिद्धार्थ ने मुंह बनाया और कहा, यार तेरी बीवी मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाया तो वह तुझसे कहकर मेरी पिटाई करवाएगी। सिद्धार्थ ये सारे झूठ छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोल रहा था। वायु ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। उसने कहा, तुझे क्या लगता है, धैर्या ऐसा कुछ कह सकती है? सिद्धार्थ ने अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, वह मेरी भाभी है और उसने पहली बार मुझसे कुछ कहा था, मैं कैसे मना कर देता, आफ्टर ऑल ये उसका ससुराल है, क्या वह यहाँ नहीं आ सकती? वायु ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखा और कहा, उसके यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, बात यह है कि चाचा और रमन अभी यहाँ है। ये सुनते ही सिद्धार्थ भी सीरियस हो गया और उसने कहा, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, यहाँ आने के बाद ही मैंने उन दोनों को देखा। वायु ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद कर लिया। सिद्धार्थ ने बाहर अपने माथे पर दो उंगली रखी और खुद से कहा, ये वायु धैर्या और उनकी बेटियां मुझे कच्चा ही खा जाएगी, भगवान आपको कोई और नहीं मिला इन सबका मैसेंजर बनने के लिए। वो काफी परेशान था, उन चारों लोगों का परिवार मिलकर उसे धमकियां देकर डराता रहता था। वायु जब कमरे में वापस आया तो उसके कदम थोड़ी दूरी पर रुक गए।
और वह एक टक सामने देखने लगा। धैर्या आसमानी कलर की साड़ी पहनकर खड़ी थी और वह उनकी प्लेट्स जमा रही थी। उसका पल्लू उसकी एक हाथ में था। साड़ी का ब्लाउज व्हाइट कलर का था जिस पर आसमानी कलर के धागे से कढ़ाई की गई थी। वायु धैर्या की पतली कमर और उसका फिगर देख रहा था। उसकी गोरी स्किन दूध जैसी सफ़ेद थी जो नहाने के कारण हल्की गुलाबी हो गई थी। उसके बालों से भी अभी भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था। धैर्या अपनी नज़रें नीचे करके प्लेट को बना रही थी। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था पर वह जगह थोड़ी गीली हो गई थी। इस कारण धैर्या को बाहर आकर साड़ी पहननी पड़ी। जब उसने देखा कि वायु वहाँ नहीं है तो उसे लगा कि वह वहाँ से जा चुका है, इसीलिए वह इत्मीनान से साड़ी पहन रही थी। वायु धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। जैसे अगर वह अपनी आंखों को बंद करेगा तो उसके सामने का नज़ारा गायब हो जाएगा। धैर्या ने साड़ी को सेट किया और अपना पल्लू लेते हुए खुद से कहा, फाइनली पहन ली, ये सच में काफ़ी भारी है। यह कहते हुए उसने लंबी सांस ली और उसकी नज़र जैसे ही सामने गई उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वायु अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था। धैर्या ने खुद से कहा, ये यहाँ कब आए? तभी उसे याद आया वह कब से किस पोजीशन में खड़ी थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ की और कहा, आप यहाँ कब आए? वायु ने उसे पीछे घुमाया और उसके ब्लाउज की डोरी बांधते हुए कहा, जब तुम साड़ी पहन रही थी। धैर्या से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। वह चुपचाप खड़ी थी। सामने लगे ड्रेसिंग मिरर में दो लोगों की परछाइयाँ दिख रही थी। धैर्या ने अपना सिर उठाया और आईने में देखा। वायु अपनी नज़रें नीचे करके उसके ब्लाउज की डोरी बांध रहा था। अचानक ही धैर्या के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई जो वायु ने देख ली। उसने धैर्या को अपनी तरफ घुमाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यह पहली बार था जब उसने धैर्या को साड़ी में देखा था। उसे वह हर तरह के कपड़ों में खूबसूरत लगती थी लेकिन उसने उसे हमेशा सूट पहनते ही देखा था। वह साड़ी और वह कलर उस पर बहुत सुंदर दिख रहा था। वायु ने उसकी खुली कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या तुम वो साड़ी नहीं पहन सकती? वायु के ठंडे हाथों की चुवन से धैर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह एक टक वायु की आंखों में देख रही थी। वायु ने उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और अपना हाथ उसके गाल पर रखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जान, काश मैं तुम्हें रोज ऐसे देख पाता। धैर्या ने अपने दोनों हाथ वायु के कंधे पर रखे और उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं, हमें जाने दीजिए, नीचे कोई हमें ढूंढ रहा होगा। वायु ने अपनी पकड़ धैर्या की कमर पर कसी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कोई नहीं ढूंढ रहा, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे भाग रही हो? ये सुनकर धैर्या चुप हो गई। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। धैर्या ने अपना सिर उठाकर देखा, वायु उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। उसने धीरे से उसके साड़ी के पल्लू को एक तरफ करा और उसके पेट को देखने लगा। गर्म पानी उसके पेट की तरफ गिरा था जिससे वह लाल हो चुका था। उसने अपने हाथों में पकड़ी क्रीम को धीरे धीरे उसके पेट पर लगाना शुरू किया। वायु के हाथों की चुवन से धैर्या सिहर रही थी। उसने अपने हाथों में बेडशीट को पकड़ रखा था और उस पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। वायु बहुत ध्यान से उन सारे लाल निशान पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, क्या ज़्यादा जलन हो रही है? धैर्या ने अपनी भारी हो चुकी आवाज़ में कहा, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप रहने दीजिए। वायु ने क्रीम लगाते हुए कहा, तुम चुप रहो, जब देखो हर चीज़ को मना कर देती हो। यह कहते हुए उसने उसका पल्लू ठीक किया और क्रीम को साइड में रख दिया। उसने अपना सर उठाकर धैर्या के चेहरे को देखा जो गुलाबी हो चुका था और उसके साइड में बेड पर बैठ गया। धैर्या ने उसे ऐसे करते देखा तो वह उठकर खड़ी होने लगी। वायु ने उसका हाथ पकड़कर खींचा जिससे धैर्या सीधे बेड पर गिर गई। वायु अपने सिर को एक हाथ का सहारा देकर उसके साथ में लेट गया। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा और कहा, मिसेज राजवंश, आपने आज अपने परिवार की इज्जत बचा ली। वैसे मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर तुमने पंडित जी को भी खुश कर दिया। ये कहते हुए उसकी नज़र धैर्या के माथे पर गई जहाँ हल्का सा लाल रंग दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम मानो या ना मानो, तुम इस शादी को अपना चुकी हो, वरना तुम मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती हो? यह सुनकर धैर्या ने कुछ नहीं कहा। वह रोज़ वायु के नाम का सिंदूर अपने बालों में छुपाकर लगाया करती थी। एक दिन भी ऐसे नहीं गया जब उसने ये ना किया। वायु ने धैर्या को खींचकर अपने ऊपर लिया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटे हुए कहा, तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, हम सबको हमारी शादी के बारे में बता देंगे। ये सुनते ही धैर्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने वायु को देखकर कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वह कैसे सबको सच बता सकती थी? वह जानती थी कि उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में नहीं है और उसे अभी अपने बच्चों के पिता को भी ढूंढना था। ये बात याद आते ही धैर्या उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। वायु उसके रिएक्शन से हैरान था। वह जल्दी से उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? धैर्या पीछे मुड़ी और परेशान होकर वायु को देखने लगी। उसने कहा, हम आपसे बात करेंगे पर इस समय हमें बहुत ज़रूरी काम है, क्या आप हमारी बात मानेंगे? हमें जाने दीजिए। धैर्या की आवाज़ में रिक्वेस्ट साफ सुनाई दे रही थी। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, उसे ज्योति से बात करनी ही थी। वायु ने अपनी पकड़ धैर्या के हाथ पर ढीली की। धैर्या ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से चली गई। वायु अपने खाली हाथों को देख रहा था और फिर उसने खुद से कहा, क्यों तुम्हें मेरी कोशिशें नहीं दिखती? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर है? ये सब सोचते हुए उसके दिल में दर्द हो रहा था। धैर्या वहाँ से निकलकर सेकंड फ्लोर पर आ गई। उसे एक नौकरानी से पता चला था कि ज्योति का कमरा वहीं है।